दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने आज घातक गेंदबाजी से हर किसी का दिल तो जीत ही लिया और साथ में एक के बाद एक विकेट चटकाकर सालों पुराना ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया जिसको जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी तक नहीं पूरा कर पाए। तो दोस्तों, आखिरकार कौन सा वो रिकॉर्ड आज मोहम्मद सिराज ने तोड़ा, वो सब आपको दिखाएंगे उनकी गेंदबाजी के साथ साथ। लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है एक अच्छा गेंदबाज। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आज रांची के मैदान पर 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी, जहां आज के इस मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने सचमुच साउथ अफ्रीका की टीम के परखच्चे से उड़ाकर रख दिए। दरअसल हुआ ये कि आज साउथ अफ्रीका की टीम की कमान केशव महाराज के हाथों में थमा रखी थी और ऐसे में दोस्तों जब टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला इनका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिस हिसाब की ये सूखी पिच है उस पर बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी नहीं पहली पारी में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ये फैसला लगभग सही अपनी टीम के लिए साबित कर ही दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दरअसल आज मैदान पर मोहम्मद सिराज को टीम में खिलाया जा रहा था और यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने पहले क्विंटन डिकॉक को मात्र 5 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो वहीं फिर रिजा हेंड्रिक्स जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 74 रन अपनी टीम के लिए बना भी चुके थे, उनको शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे हेंड्रिक क्लासेन अपनी पारी को आगे बढ़ा पाते तो उनका कैच लेकर भी उनको पवेलियन की राह पर लौटा दिया। और ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक विकेट आज मोहम्मद सिराज के पाले में गिरे, जहां देखते ही देखते मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल कर लिए। तो वहीं दोस्तों, एक के बाद एक ओवर डालते चले जा रहे मोहम्मद सिराज की बदौलत आज भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम पर दबाव बनाकर रखा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान हम आपको बता दें कि आज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन दिखाते हुए T20 विश्व कप में न सिर्फ अपने नाम को कंफर्म कर लिया बल्कि उन्होंने एक ऐसा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसको सुनकर आप भी उन पर गौरवान्वित महसूस करोगे। जी हां दोस्तों, बतौर भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने आज अपने ODI क्रिकेट करियर का कुल मिलाकर 12वां मुकाबला खेला, जहां आज के इस 12वें मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने कुल मिलाकर अपने 15 विकेट भी पूरे कर लिए। और जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, दरअसल गेंदबाजी का अगर आप आंकड़े देखोगे तो मोहम्मद सिराज ने आज एक के बाद एक अच्छी गेंदे फेंकते हुए 3 विकेट हासिल जैसे ही किए तो उन्होंने वनडे क्रिकेट करियर में 15 विकेट लेने का कारनामा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद सिराज ने ये जो रिकॉर्ड रचा है ना, वो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ तो है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज एक ऐसे बाजे जिन्होंने की भारत से बाहर ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं, बल्कि अगर हम कंपैरिजन करें भारत के मुकाबलों से तो ऐसे में दोस्तों बतौर कोई भी खिलाड़ी इतनी तेज स्पीड से 15 विकेट लेने के मामले में आज तक कोई भी इनसे आगे नहीं निकल पाया है। जहां पर जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट करियर में अपने 15 विकेट सबसे पहले 15 मैचों की 15 पारियों में पूरे किए थे और यहां पर जसप्रीत बुमराह ने खुद घरेलू सरजमी पर 10 मैच भी खेले थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर मोहम्मद सिराज ने ये कारनामा रचकर सही में हम सभी भारतीयों को ये बताया है कि जब जब वो विदेशी धरती पर जाकर वनडे और T20 सीरीज या फिर यूं कहें कि टेस्ट सीरीज भी खेलते हैं तो हमेशा से ही उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा किफायती रहती है। लेकिन अब भारत के मैदानों पर भी मोहम्मद सिराज ऐसा कुछ कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं जो कि हमारी टीम के लिए एक अच्छा संकेत है। तो ऐसे में दोस्तों, उनकी आज की इस मुकाबले की गेंदबाजी पर जरूर रोहित शर्मा ने ध्यान दिया होगा और उनको जल्द से जल्द T20 विश्व कप में बुलाने के लिए अब रोहित शर्मा BCCI से भी अनुमति लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है कि विश्व कप में मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज में से किसको शामिल होना चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।